मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। टाइफाइड छू है? मतलब ऐसा क्या हो गया कि डीजे में की सफाई देने के लिए आना पड़ा छोटी पूतना को? सफाइयाँ देती हुई नजर आई छोटी पूतना, अगर आपको लग रहा है कि ये प्यार है, मोहब्बत है, मातृ प्रेम है, तो नहीं नहीं आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, है ना। इतनी सफाई देने के बावजूद भी जो है बड़की पूतना को फिर क्यों आना पड़ा धमकाने के लिए? हाँ जी, उसका जो अंदाजे बयां था वो कहीं ना कहीं से धमकी ही लग रहा था। हालांकि उसकी धमकी से तो डरती है दादी की जुत्ती और बाकी की भी जुतियाँ, है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो, अब किसी को आदत ही है फिर, मतलब कि जी सब्सक्राइबर के सर पे खाए जाओ, ऐश करे जाओ, और उनको ही कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश की जा रही है। चलो छोड़ो, उसको गोली मारो, भेजे में भेजा शोर करता है। जो भी है भाई, तो छोटी पूतना की सफाई और बड़की पूतना की शातराई सारी जो है पोले खोलेगी परत दर परत दादी, है ना। अब दादी की पैनी नज़र से कुछ छुपता तो है नहीं, है ना। तो दादी आपको भी सब कुछ क्लियर क्लियर मतलब बताएगी, सब कुछ क्लियर करेगी, लेकिन अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक, है ना। और ऐसे ही प्यार मोहब्बत आपका मिलता रहा ना, तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी दादी, है। तो जी क्या करना है आपने? क्या टॉनिक है जो दादी को मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त करता है? वो टॉनिक है आपके लाइक कमेंट है और शेयर जो करते हो आप, है ना। तो कमेंट तो भर भर के करो और भर भर के लाइक करो, तो दादी को ना बड़ा हौसला मिलता है, हैं जी। चलिए जी, तो हम करते हैं जो ये अपना पोल खोलो आंदोलन शुरू, है ना। जो पोले खोलते हैं हमें, वो आंदोलन करते हैं शुरू। तो जी कल जो है छोटी पूतना फिर से आई, आती तो रहती है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कल फिर से आई है सफाइयाँ देने। तो सारी बातों को समझने के लिए ना थोड़े चार पांच दिन पहले से शुरुआत करते हैं, थोड़ा छोट भी आपको समझाऊंगी, है ना। तो हुआ क्या जी, बग्गार बग्गी चले घूमने और उन्होंने बोला छोटी पूतना को कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो अभी कहते तो उसे बना नहीं, लेकिन इशारों इशारों में इसने कहने की कोशिश करी कि मैं भी चलती हूँ। तो भी बग्गा ने कहा होगा, देखो हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और चिंटुआ छोटा हो, तेरे भी बस की बात नहीं है, तू घर पे रह ले, हम चाची को बोल के जाएंगे, है ना। तो अपना भी दो का तो ख्याल कर रख ही सकती है। अब इसे बोला तो नहीं गया, है ना, इसने तो कह दी ठीक है भाई तुम लोग इंजॉय करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो तन बदन में इसकी आग लगी है वो कैसे निकाले है? छोटी पूतना ना धीरे धीरे जाल बुनना कर दिया शुरू, है ना। सारा ऊपर नीचे का आपको दिखाने लगी, भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, उतरने लगी, दूध लेने जा रही हूँ मैं अकेले, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, थकावट हो रही है, ये वो है ना, बहुत कुछ ऐसा किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने बोला कोई बात नहीं, लोगों ने सोचा दो जन है, एक छोटा बच्चा ये है तो मैनेज कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। इसमें क्या मतलब, इसकी तो कोशिश शुरू से थी कि फिर कैसे ना कैसे करके बग्गी को मतलब दुपट्टा को गालियाँ दिलवाई जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो रही थी। फिर इसने एक दो दिन देखा कि नहीं भाई, ड्रामा मेरा जो है कामयाब नहीं हो पा रहा। फिर इसने सोचा कि क्यों ना भी बीमारी का जो मैं बहाना लगाती हूँ। तो फिर इसने टाइफाइड की कहानी रची, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसने जाकर डॉक्टर को बोला कि मुझे टाइफाइड है। डॉक्टर ने कहा नहीं बहन, तो दो चार दिन देख ले, मुझे नहीं लग रहा तुझे टाइफाइड। कहती नहीं है, मुझे रिपोर्ट दो। फिर डॉक्टर ने बोला ऐसे तो हम रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसने बोला चलो, आज तक वैसे भी कौन से मैंने सबूत दिए हैं, तो आज भी मैं बिना सबूत के कुछ भी पकड़ पकड़ कर देती हूँ, लोग तो मान ही लेंगे, है ना। तो जी लेकिन क्या हुआ कि लोग हो गए हैं अब समझदार, और तो और इसके सब्सक्राइबरों को भी थोड़ी अकल आ गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, मान तो उन्होंने लिया, सब्सक्राइबरों ने मान लिया, पर उन्होंने कहा कि भाई मतलब जी ये चाहते थे कि लोग जो है दुपट्टा को घरियाए, जाके घरियाया तो लोगों ने बहुत, इसके अपने सब्सक्राइबर ने भी, लेकिन डीजे में को तो पासा क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया है। फिर जो है उधर पटना लैंड से जो आया इसको फ़ोन है, आपने देखा ना कल हड़बड़ाहट में जब वीडियो शूट करी थी उसी दौरान इसको फ़ोन आया था ना, जब बता रही थी मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, ये वो थकान वगैरह, उस टाइम एकदम से फ़ोन आ गया और वहाँ से पड़ गई इसको झाड़, जूता परेड हो गई। डीजे मी ने बोला कि तेरा दिमाग खराब शराब है कुछ, तेरे को टाइफाइड हो गया है भाई, मैं इतने दिनों बाद घूमने फिरने आई, बग्गा बग्गी चलो जा रहे हैं घूमने, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो हमको ही गालियाँ दिलवाने लगी हुई है, तेरे ड्रामे कब खत्म होंगे हैं, इतना बोझ हमने सर पे उठाया हुआ तेरा, तेरे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। फिर जी फोन ले लिया बड़की पोतरा ने, उसने बोला तुझे ना स्क्रिप्ट जो दी जाती ना उसके अनुसार बोला कर, अपना दिमाग मत लड़ाया कर, है जो छात्रगिरी तो अपने दिमाग से करते हैं ना, तो देखो
ये हो जाता है। चल अब जल्दी जल्दी सफाई दे कि डीजे मी ने फ़ोन किया था, वो तो आना चाहती लेकिन मैं मना कर रही हूँ और मैं अब ठीक हूँ है। तो बस जैसे इसने फ़ोन काटा और साथ में इसका शूटिंग शुरू हो गया, तो वो हड़बड़ाहट दिखी है ना, मतलब ऐसे हो गया, मतलब टांगों में दर्द हो रहा है, ये वो फ़ोन आ गया, फिर टांगों में दर्द हो गया, मतलब ऐसी हड़बड़ाहट इसकी दिखी क्योंकि वहाँ से हो रही थी जूता परेड। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो सफाई दी गई है इसलिए नहीं दी गई है कि हमारी छोटी पोतना को बड़ा प्यार जाग पड़ा हम अपनी डीजे में से। ये बड़े मतलबी टब्बर है ये, इनको प्यार मोहब्बत, इनको सब पैसे का खेल है भाई, इनको मतलब ही होता है, मतलब के लिए देखो अब जैसे वो ले गई है बड़की पोतना पे, कुछ तो लोग कह रहे हैं इसको जो है डीजे में की पेंशन और फंड पे इसकी नज़र है, इसकी और पीएचडी होल्डर की, तो ऐसे ऐसे भी मतलबी लोग हैं। चलिए है ना, ये तो बात रही भाई छोटी पूतना की, अब थोड़ी सी बात कर लेती हूँ बड़की पूतना के बारे में, चंट घटिया औरत बड़की पूतना के बारे में भाई। देखो इनको तोतले के बच्चे आज भी लपड़े चीखने, क्या ही करें भाई, और तोतली आके चुप करा ले इनको है। चलो जी, तो छातिर औरत जो बड़की पूतना वो इतनी घटिया टाइप की औरत है, देखो उसको मतलब उसके अनुसार कि वो जितना भी गंद फैलाना चाहे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे, जितना बकवास करना चाहे, जितनी झूठी मूठी कहानियां सुनाना चाहे, आप देखो पर आपको जो है ना ये जो हमारे द्वारा फैलाया गया कूड़ा है, ये कूड़े का ढेर है, इसको देख के आपको बा खुशबू ही करना है। मतलब ये नहीं बोलना कि दुर्गंध आ रही है, क्यों भाई, किसी के बाबा की जागीर है वाइटी कि कूड़े का ढेर देख के भी बा खुशबू करेंगे हैं, ये नहीं बोलेंगे दुर्गंध आ रही है। तो कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि तू अपनी माँ को बिठाकर मतलब उनसे व्यूज़ ले रही है, उनको जबरदस्ती तूने बांध के रखा है, कैद में है बुलबुलें हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से रह रही हैं है ना, और इस उम्र में सबको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इतना ही सबको पता होता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आज तेरी छोटी पूतना के जो हालात हैं वो नहीं होते है ना। तो पता भी पता होता है तब भी कोई 16 साल की नहीं थी रंगीली वाला है कि ये पता नहीं था कि भाई अपने नाते कुड़मों को है ना, जो संबंधी होते हैं उनको क्या बोलना क्या नहीं, ऑन कैमरा उनको कीचड़ बोलना, जवाई को पता नहीं क्या क्या बोलना ना, तो इतनी समझ भी होती। या फिर देखो अब हर मैरिड लाइफ में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उसमें जो है फैमिली का मायका वालों का इतना हस्तक्षेप जो है ना गड़बड़ कर सकता है। इतनी सारी समझ अगर होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो ये तो हमें बता ही मत कि लोगों को पता होता है क्या करना क्या नहीं करना, और लोग जो बोल रहे हैं ना वो वही वाली बात कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं लगाया हुआ है, सोशल प्लेटफॉर्म में तुम बकायदा जो है ऐड लगाते हो, अपनी जो है पर्सनल लाइफ बेच रहे हो है ना, तो भी ग्राहक जो होता है वो डिफेक्टिव माल की कंप्लेंट तो करेगा ही है ना, इसमें तुम उनको रोक नहीं सकती। और ये नफरत शफरत तो कोई नहीं होती है भाई, नफरत के लायक भी बंदा होना चाहिए, प्यार के लिए तो खैर इंसान का काबिल होना जरूरी होता है, लेकिन नफरत के लिए भी है ना काबिलियत जरूरी है। तुम नफरत के भी लायक नहीं हो बड़की पूतना, तो महा घटिया हो तुम, अपने ही घर परिवार की नहीं हुई, अपनी ही बहन की नहीं हुई, तो तुमसे तो नफरत भी क्या करनी है, तुमसे दया भी नहीं करनी, तुम पता नहीं क्या घिन सी आती है तुम्हें देखकर है ना। तो अपना ये बकवास करना बंद कर दो, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है लोगों के कमेंट्स से लोगों के रिएक्शन से, तो अब तो अपनी जो ये पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल खिचड़ी है ना, इसको चार दीवारी में रखो, यहाँ पे आके बेचोगी तो डिफेक्टिव सामान की जो है कंप्लेंट होगी ही होगी है ना। बाकी सच बताऊँ ना तो जो तुम लोगों को सुनाती रहती हो वही समझ में नहीं आता, कभी कहती हूँ कि हम अपने लेबर के लोगों के से बात करते हैं, तो तुम्हारा लेबल जितना डाउन है ना उतना किसी का भी नहीं होगा है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे लेवल तक आना चाहेगा है। तो जी बड़की पूतने के बारे में मेरे को इतना ही बोलना है, ज़्यादा मेरे को तो इसके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता है भाई, बकवास करे जा रही है, 20K भी नहीं पहुँच रहे, इतना बकवास करने के बावजूद 20K नहीं पहुँच रहे हैं, और इधर वो टूथलेस समधड़ मेरी है भाई, उसका तो क्या है कहने, उसका तो दुपट्टा ही गायब हो गया है। अब आप लोग बोलोगे दादी कोई बड़ी बात नहीं होती है, होती है बच्चा होती है, जो ऊना छोटा ना छोटा सा ऊना है शहर है हमारा, उसका छोटा सा जो कस्बा है जगह है महत्वपुर, इस उम्र में वहाँ की जो औरतें होती हैं जो ये टूथलेस समझने की उम्र है, लोगों के सर से पल्लू नहीं हटता है, और इसका तो दुपट्टा ही गायब हो गया, और ये दुपट्टा पता है क्या है, ये इसने गायब नहीं किया, ये भी शातिर औरत जो है ना, ये मेरी बड़की पोतना इसका कमाल है, अभी अपनी माँ का दुपट्टा तो बहन सर पे ऐसे गले में रख रही है, और उसको बोलोगा आप क्यों दुपट्टा ओढ़ते हो, आप बिना दुपट्टे के अच्छी लगती, ताकि लोग बोले है, लोग बोले कि देखो भाई ऐसी मुस्टंडी सास है, और है तो मुस्टंडी यार हरकतों से, बड़ा दिमाग भी होता है किसी बंदे का है ना, मेरे को तो अब उस पर कोई सिंपति फिंपति नहीं आती, सांपति नहीं आती है,
चलो जी, तो ये वाली बात है। वैसे तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस शातिर औरत को अब देखना आप लोग बंद ही कर दो, क्योंकि कुछ देखने लायक है नहीं। बकवास सुन सुन के आपका भी दिमाग ख़राब ही हो गया है ना। और छोटी की जो पोल मैंने खोली है ना, तब आपको चीज़ क्लियर होगी होगी कि टाइफाइड था ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत फीवर फूवर होगा, वो बड़ी बात नहीं है, बाकी सब ड्रामा था। और उस ड्रामे के चक्कर में जूता परेड हुई है, तो उसको सफाई देने आना पड़ा भाई। ये सारी कार्रवाई हुई है, है ना। आई होप कि जो दादी की जजमेंट है ना, जो दादी ने पैनी नज़र से देखा है, वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा ना। और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आके, है ना। सी या, राम राम जी।